आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। गोरखपुर में रविवार को मिले रिकॉर्ड 1440 नए कोरोना संक्रमित मरीज, 5 की हुई मौत। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 36,481। अब तक 419 कोरोना संक्रमित मरीज गवा चुके हैं अपनी जान। 9,497 हो गए एक्टिव मरीज। सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने की पुष्टि। मंडलायुक्त ने किया स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक। आईएमए के सहयोग से बीआरडी मेडिकल कॉलेज में बेडों की संख्या बढ़ाने के लिए दिए निर्देश। कहा, इलाज में ना हो कोई कोताही। एसपी सिटी सोनम कुमार ने ड्रोन कैमरे से महानगर के लॉकडाउन की स्थिति का लिया जायजा। कहा, भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में बढ़ाई जा रही है पुलिस कर्मियों की ड्यूटी, सख्ती से कराया जा रहा है लॉकडाउन का पालन। मंडलायुक्त जयंत मार्लिकर ने की गेहूं खरीद की समीक्षा। कहा, साप्ताहिक बंदी के दिन भी खुलेंगे सभी क्रय केंद्र, होगी गेहूं की खरीदारी। नगर निगम प्रशासन ने सैनिटाइजेशन महाअभियान के तहत रविवार को नवीन महवा मंडी सहित अन्य क्षेत्रों में कराया सैनिटाइजेशन। नगर आयुक्त ने कहा, सैनिटाइजेशन से कोरोना की चेन तोड़ने में मिलेगी मदद। बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच भोजपुरी फिल्म अभिनेता व सदर सांसद रवि किशन ने लोगों से की अपील। कहा, कोरोना की दूसरी लहर है घातक, एक एक इंसान को बचाना है जरूरी, दवा के साथ करे घरेलू उपचार, दे कोरोना को मात। 28 से 30 अप्रैल तक पंचायत चुनाव के मतगणना कार्मिकों का होगा प्रशिक्षण। एडीएम फाइनेंस ने कहा, संबंधित कार्मिक कलेक्ट्रेट स्थित अपर नगर मजिस्ट्रेट सेकंड के कार्यालय से 26 अप्रैल को दोपहर 3 बजे से ले अपना ड्यूटी कार्ड। 59 घंटे के लगाए गए लॉकडाउन का रविवार को महानगर में दिखा व्यापक असर। सड़कों पर पसरा रहा सन्नाटा। एसपी सिटी ने कहा, लॉकडाउन में नागरिकों का मिल रहा है भरपूर सहयोग। साप्ताहिक लॉकडाउन के दूसरे दिन बाहर से आने वाले यात्रियों को बसों के लिए नहीं होना पड़ा परेशान। अनुबंधित बसों के सहारे यात्री अपने गंतव्य को हुए रवाना। 59 घंटे के लॉकडाउन में नगर निगम का जारी रहा सैनिटाइजेशन का काम। असुरन स्थित राप्ती कॉम्प्लेक्स को किया गया सैनिटाइज, जिससे लग सके कोरोना संक्रमण पर लगाम। और नाइट कर्फ्यू का पुलिस करा रही है कड़ाई से पालन। एसपी सिटी ने कहा, लोगों का मिल रहा है भरपूर सहयोग, सफल हो रहा है नाइट कर्फ्यू।